हेलो गाइस, आई संजना गोयल हेयर टू टीच यू मैथमेटिक्स. अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री आएगी वो 12 मार्क्स की आएगी. तो जिनकी प्रिपरेशन हो गई है वो भी बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुई है तो उन्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. मैं आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स और ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी जिससे ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी. तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जिन बच्चों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँच सके. तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से. ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री वर्ड्स, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन. ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट्स. बेसिकली इट इज़ थ्री साइड मेजरमेंट. और हम जानते हैं कि हमारे ज्योमेट्री में जो थ्री साइड फिगर होता है वो एक ट्राइंगल होता है. तो हम बेटर कैलकुलेशन के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करेंगे. तो यहाँ मैंने लिया है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी एंड सी. इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो हमारा एंगल हमने लिया है वो एंगल सी लिया है. अगर इसको हम थीटा कंसिडर करें तो जो इस एंगल के हमारे अपोजिट साइड होगी वो हमारी होगी परपेंडिकुलर, और जो इस एंगल के हमारे एडजेसेंट साइड होगी, जिस जो ये थीटा है इसके जो एडजेसेंट साइड है वो हमारी है BC, इसको हम लेंगे बेस. और जो हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बना है इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड, मीन्स जो ट्राइंगल की हमारी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हमारी होगी हाइपोटेन्यूस. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी पूरी है वो इसी राइट एंगल ट्राइंगल के अलॉन्ग रहती है. हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री इस राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड रहती है. ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या बताती है कि ट्रिग्नोमेट्री में ये बताती है कि इसकी जो ये साइड्स हैं ए सी बी सी एंड ए बी, इन साइड्स और ये जो एंगल्स दिए होते हैं इन साइड्स और इन एंगल्स के बीच का रिलेशन हमें ट्रिग्नोमेट्री बताती है. अब अगर हमने ये एंगल कंसिडर किया है तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया ए बी, और बेस हो गया बी सी, और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा ए सी. नाउ अब अगर बात ये आती है कि क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है, एंगल ये वाला नहीं दे के ये वाला पूछा होता है कि साइन ए बताइए, कॉस ए बताइए, टेन ए बताइए. तो हम अगर हमें ये एंगल दिया होगा तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा. इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हमारा बी सी हो जाएगा, क्योंकि ये इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा अपोजिट है. और इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारा बेस हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेन्यूज हमारा सेम रहेगा. तो ये हमारा हो जाएगा एंगल के अकॉर्डिंग हमारा जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज है वो चेंज हो जाएगा. अब मैं ट्रिग्नोमेट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिस पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारी सॉल्व हो जाएगी वो मैं आपको बताती हूँ. आपने सबने नाम सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम का. पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. अब यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी. अगर हम थीटा एंगल कंसिडर कर रहे हैं तो थीटा हमारा ये है एंगल सी, तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा एसी. एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है एबी, एबी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा बीसी, बीसी का स्क्वायर. तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, हाइपो का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज हमारा इस फिगर में क्या है एसी, परपेंडिकुलर क्या है एबी, एंड बेस क्या है बीसी. तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर. ये थ्योरम आपका इस पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कई बार दो साइड्स दी होंगी तो हमें थर्ड साइड निकालनी होगी, तो हम इसी थ्योरम का यूज करेंगे. नाउ अब मैं आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स बताऊंगी जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मेनली हमें टी रेशियोज पढ़ने हैं, टी रेशियोज क्या होते हैं और कैसे उनके फॉर्मूले याद करने हैं, उसमें आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको बहुत ही इजी वे में इजीली आपको याद हो जाएंगे. तो अब हम बात करते हैं टी रेशियोज की. टी रेशियोज मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. टी रेशियोज हमारे क्या होते हैं,
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेट थीटा, सेक थीटा। अब इनको याद रटने से काम नहीं चलेगा, इनको याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ये ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। बेसिकली ये क्या है, हमारे टी रेशियोज को याद रखने की ट्रिक है। एस स्टैंड्स फॉर साइन थीटा, सी स्टैंड्स फॉर अवर कॉस थीटा, टी स्टैंड्स फॉर अवर टेन थीटा। एस स्टैंड्स फॉर साइन, सी स्टैंड्स फॉर कोसाइन या कॉस एंड टी स्टैंड्स फॉर टेंजेंट या टेन थीटा। अब ये जो हमारा दिया हुआ है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन थीटा यहाँ पे हमारा क्या हो गया, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का जो हमारा रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का हमारा क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा का हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और मेनली आपको यही तीन याद रखने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का क्या होगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा का हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन अगर आपने याद कर लिए तो जो बाकी के तीन हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, वो सब इन्हीं के अपोजिट होते हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ, ये आप याद रखिएगा, आगे का मैं आपको बता रही हूँ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो हमारा साइन थीटा क्या होता है, अगर हम थीटा कंसिडर कर रहे हैं, साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हमारा कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हमारा टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन फॉर्मूले ही आपको सिर्फ याद रखने हैं, और वो ट्रिक मैंने आपको बताई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले से एस साइन थीटा, सी कॉस थीटा, टी टेन थीटा, और ये उसके फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी के जो तीन रेशियोज हैं वो बहुत ईजी हैं, इसी से ही निकल जाएंगे। तो आगे का जैसे कि है कॉसेक थीटा, साइन कॉस टेन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, अब है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हमारा क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है साइन थीटा का, वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है हमारा, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब ये साइन का अपोजिट होता है, मतलब कि वन अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी है, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। अब हमारी बात आती है सेक थीटा की, तो सेक थीटा हमारा क्या होता है, वो अपोजिट होता है कॉस थीटा के, तो वन अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा हम का फॉर्मूला क्या था हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे वन अपॉन कॉस थीटा है, तो हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा बेस। अब क्या बचा, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा हमारा हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अपोजिट हो जाएगा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेसिकली जो हमारे टी रेशियोज हैं उनके फॉर्मूले हैं। साइन थीटा का मैंने आपको बता दिया, कॉस थीटा का बता दिया, टेन थीटा का बता दिया। साइन कॉस और टेन आपको याद रखने हैं, बाकी कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा इन्हीं के अपोजिट होते हैं। तो जो फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको याद रखना है कि ये साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का होता है
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर हमें कॉसेक सेक या कॉट थीटा निकालना होगा, तो हम कॉसेक के लिए साइन का अपोजिट कर देंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा के लिए हम वन अपॉन कॉस थीटा कॉस का अपोजिट कर देंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट के लिए हम टेन का अपोजिट कर देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारे बेसिकली टी रेशियोज होते हैं। और जितना भी कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया है पाइथागोरस थ्योरम और ये टी रेशियोज के फॉर्मूले, बेसिकली यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको मेनली दो चीज़ें मैंने बताई हैं, एक तो पाइथागोरस थ्योरम और एक टी रेशियोज। तो ये दोनों चीज़ें आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए बहुत हेल्पफुल हैं और बहुत इजी भी है। आप देख रहे हैं कि बहुत इजी है, बस आपको समझने की देर है। तो आपका यहाँ हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 8.1। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इज गिवन 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज गिवन 7 सेंटीमीटर। नाउ बोला है डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए। किसी भी क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका क्या होता है? सबसे इजी तरीका ये होता है कि उस क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा क्या है डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए, और हमें क्या बोला है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है राइट एंगल एट बी। तो हम इस अगर फिगर के जो हमने फिगर लिया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा राइट एंगल बी पे ही है, और ए बी हमसे हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ए बी जो है हमारा वो है 24 सेंटीमीटर, और बी सी हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने 7 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है हमसे साइन ए और कॉस ए, मतलब कि हमें सी एंगल कंसिडर नहीं करना है, हमें कंसिडर कौन सा करना है ए, हमें ये एंगल कंसिडर करना है। तो जब हम ये एंगल ए कंसिडर करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। और हमारा बेस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बेस। अगर हम एंगल ए लेंगे और हाइपोटेन्यूज तो हमारा सेम रहेगा ना। अगर हम क्वेश्चन के ऊपर आए, इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए। तो हम पहले क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तो पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या चीजें हैं। गिवन ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको थ्योरम बताई थी पाइथागोरस थ्योरम, जब भी दो साइड्स दी होंगी तो हमें अगर थर्ड साइड निकालनी है तो हम उसी थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, तो हम यहाँ लिख देंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी सी, बी सी का स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है, ए बी। क्यों हमारा परपेंडिकुलर बी सी है, क्योंकि हमने एंगल ए लिया है और बेस हमारा ए बी होगा एंगल ए की वजह से। नाउ अब इसे सॉल्व करेंगे तो ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, बी सी का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर क्या रहेगा हमारा 24 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 49 प्लस ए बी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576। तो इसको ऐड करेंगे ये हमारा हो जाएगा 625। तो ए सी
एसी का स्क्वायर 625 और हमें पता है कि 625 स्क्वायर किसका होता है 25 का, तो एसी हमारा आ गया 25। अब एसी हमारा 25 आ गया तो हम क्या करेंगे, जो हमसे पूछा गया उसको निकालने के लिए हमें एसी की जरूरत पड़ेगी, तो हम ये लिख लेंगे कि एसी का एसी हमारा कितना आया है 25 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या है साइन ए। नाउ साइन ए, साइन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा पी अपॉन एच, और हमारा पी क्या है, पी यहाँ पे क्या है हमारा, परपेंडिकुलर हमारा है बी सी, तो हमारा बी सी दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा ए सी, तो हम लिख देंगे बी सी कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर और ए सी हमारा हमने अभी निकाला है 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7/25। और हमारा कॉस ए क्या हो, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस हमारा क्या है ए बी और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है ए सी, तो लिख देंगे यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में 24 और ए सी की वैल्यू हमने निकाली थी 25, तो ये हमारा आंसर हो गया। साइन ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7/25 और हमारी कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी 24/25। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, देखिए कितनी इजीली सॉल्व हो गया, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि अगर साइड्स दी होंगी, दो साइड्स दी होंगी तो हम थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, और अगर हमें टी रेशियोस पूछे होंगे तो हम टी रेशियोस की ट्रिक्स जानते ही हैं, मैंने आपको बताई है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो वही हम ट्रिक लगाएंगे और इजीली सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री कोई टफ नहीं, बहुत इजी चीज़ है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है कि इन फिगर 8.13, इन फिगर 8.13 फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर, फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर, ये दिया हुआ है और एक फिगर दिया हुआ है वो भी ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है कि टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या होगी। तो जो फिगर दिया हुआ है वो कुछ ऐसे दिया हुआ है पी क्यू आर और राइट एंगल दिया हुआ है हमारा क्यू पे, और इसमें पी क्यू दिया हुआ है हमारा 12 सेंटीमीटर और हमारा पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ये आपका फिगर दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको पहले बताया है कि कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो पहले हम उसमें क्या देखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। गिवन इसमें क्या है, एक फिगर दिया हुआ है हमें, उसमें हमें पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे कि गिवन क्या क्या है हमें, गिवन क्या है पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी हमें दो साइड्स दी हुई हैं, मैंने आपको बताया कि जब भी दो साइड्स दी हुई होंगी तो हम थर्ड साइड के लिए काम करेंगे, थर्ड साइड निकालने के लिए मैंने आपको सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम बताई है पाइथागोरस थ्योरम, तो हम उसी का स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। उसका स्टेटमेंट क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमसे पूछा क्या है, टेन पी और कॉट आर पूछा है, तो हम कोई भी, अभी तो हाइपोटेन्यूस हमें निकाल, ये हमें बेस निकालना है तो हम कोई भी एंगल कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस, हाइपो हमारी क्या हो जाएगी पी आर, हाइपो हमारी पी आर ही रहेगी, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हमें साइड निकालनी है तो हम कोई भी एंगल कंसिडर कर लेते हैं ये या ये, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा दिया ही हुआ है पी क्यू स्क्वायर और बेस हो जाएगा हमारा क्यू आर स्क्वायर। पी आर हमारा दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। नाउ हम जानते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारा क्या आ जाएगा, हमें हमारी थर्ड साइड मिल जाएगी, तो क्या आया था हमारा कि 169 इज इक्वल टू 144
प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये हमारा आया था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर की हमारी वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 5। क्यू आर हमारा आ गया 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा क्यू आर आ गया है 5। नाउ अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस पर हम वर्क करेंगे। तो क्या पूछा गया है कि टेन पी माइनस कॉट आर, तो पहले हम टेन पी निकालेंगे। टेन पी के लिए हम एंगल पी कंसिडर करेंगे। अब जब एंगल पी कंसिडर करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और हमारा बेस हो जाएगा पी क्यू, हाइपोटेन्यूज हमारा सेम रहेगा, ये हमारा पी आर ही रहेगा। तो हम टेन पी निकालेंगे। टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या है, टेन पी के अकॉर्डिंग क्यू आर, और बेस क्या है हमारा पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू अभी हमने निकाली है 5 सेंटीमीटर है, 5 लिख देंगे। पी क्यू हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 5/12। अब हमें क्या निकालना है, कॉट आर। अब एंगल आर के अकॉर्डिंग हम कंसिडर करेंगे। एंगल आर के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, एंगल आर के अकॉर्डिंग जो अपोजिट साइड है वो हमारा हो जाएगा पी क्यू, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और एंगल आर के अकॉर्डिंग बेस हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर, हाइपोटेन्यूज हमारा सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज पी आर ही रहेगा। नाउ हमें निकालना है कॉट आर। कॉट आर मैंने आपको बताया था क्या होता है, कॉट आर होता है हमारा टेन का अपोजिट, मतलब कि 1/10 आर। तो टेन की कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस हमारा यहाँ पे क्या है, क्यू आर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू हमारा 12 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये बेसिकली मैं टेन पी और कॉट आर की वैल्यूज आ गई। अब हमसे पूछा गया टेन पी माइनस कॉट आर, तो बस इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यू आई है टेन पी और कॉट आर की 5/12, ये हम इसमें पुट कर देंगे। टेन पी माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। तो आप नाउ अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ इधर मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 3 हमारा क्या कह रहा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमें बेसिकली दिया क्या हुआ है, साइन ए की वैल्यू दी हुई है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। साइन ए गिवन हमारा क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन की वैल्यू दी हुई है तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेट करेंगे। कि हम मान लिया हमने कि एक ट्राइंगल, हमने ट्राइंगल है ए बी एंड सी, राइट एंगल हमने नॉट जनरली बी पे ही ले लिया है। अब साइन ए की वैल्यू दी हुई है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, नीचे वाले एंगल्स कंसिडर करते हैं कि ताकि कोई दिक्कत ना हो कैलकुलेशन में। तो ए हम इसको मान लेते हैं, सी हम इसको मान लेते हैं। साइन ए की वैल्यू दी हुई है मतलब हमने एंगल ए लिया हुआ है। साइन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो हमारा बी सी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो जाएगा, ए सी। तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है और ये वैल्यू हमें दे रखी है 3/4। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली हमें रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो के लिए हम अगर सेपरेटली अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे परपेंडिकुलर की या हाइपोटेन्यूज की, तो हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं कि कोई भी कांस्टेंट है के, लेट अ कांस्टेंट बी के, के ले लिया। अब हम सेपरेट उसकी वैल्यू कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बट क्या होता है कि आप टेंथ में हैं तो रेशियो की वैल्यू डायरेक्ट नहीं लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सेपरेटली अगर परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे क्या है, बी सी,
और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ये क्या हो जाएगा हमारा 3k ए सी, ये हमारा दिया हुआ है 3/4। अब हमें बी सी की वैल्यू लिखनी है, बी सी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3k और ए सी की वैल्यू सेपरेटली हो जाएगी हमारी 4k। तो हमारी बी सी की वैल्यू कितनी हो गई 3k और ए सी की वैल्यू हमारी है 4k। अब हम क्या करेंगे, दो साइड हमें दी हुई है, हमें थर्ड साइड निकालनी है। थर्ड साइड हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा ए सी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा बी सी, बी सी का स्क्वायर प्लस बेस हमारा हो जाएगा ए बी, ए बी का स्क्वायर। ए सी हमारा कितना है 4k, 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी हमारा कितना है 3k, 3k का स्क्वायर प्लस ए बी हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो हमारी ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 7k, 7k स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 7k, ये हमारी हो जाएगी ए बी की वैल्यू, ठीक है। तो आप लोग ए बी की वैल्यू नोट कर लीजिए जिससे कि हम आगे अपना क्वेश्चन कर सकें। BC हमारा क्या है 3k, AC हमारा है 4k और अभी हमने AB निकाल लिया। AB हमने कितना निकाला है रूट 7k। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट cos A एंड tan A। तो हमें cos A और tan A की वैल्यू निकालनी है। कॉस ए का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखेंगे। अब यहाँ पे बेस हमारा क्या है, ए के अकॉर्डिंग बेस हमारा क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूस हमारा ए सी ही रहेगा। ए बी की वैल्यू अभी हमने निकाली है रूट सेवन के और ए सी की वैल्यू हमारी है 4k। अब जो है अब आप ये कॉन्स्टेंट जो है वो हटा सकते हैं, कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो हमारी कॉस ए की वैल्यू जो है वो आ जाएगी √7/4। तो ये हमारी हो जाएगी कॉस ए की वैल्यू। अब हमें निकालनी है टैन ए की वैल्यू। तो टैन ए का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारा है बी सी और बेस हमारा है ए बी, तो हम लिख देंगे बी सी अपॉन ए बी। अब बी सी की वैल्यू हमारी कितनी है 3k और ए बी की वैल्यू हमने निकाली है √7k। तो ये हो जाएगा हमारा 3/√7, ये हमारी वैल्यू आ गई टैन ए की। तो हमारी कॉस ए की वैल्यू आ गई √7/4 और हमारी टैन ए की वैल्यू आ गई √7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व हो गया। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं, सब सिर्फ दो कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें। दो कॉन्सेप्ट कौन से, पाइथागोरस थ्योरम और हमारा जो टी रेशियोज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बस इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे आपकी पहली एक्सरसाइज बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो कॉन्सेप्ट याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो भी फॉर्मूले होते हैं, जो भी ट्रिक्स होती हैं वो आपको याद रखनी है। जो भी मैं आपको यहाँ बताऊँगी वो आपको याद रखना है और आपके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नाउ अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर टी रेशियोज। तो टी रेशियोज हमें सारे कैलकुलेट करने हैं। हमें दिया क्या हुआ है, पहले हम लिखेंगे कि गिवन क्या है हमें sec थीटा। sec थीटा हमें क्या दिया हुआ है 13/12। अब ये हमें sec थीटा दिया हुआ है तो पहले हमें एक ट्राइंगल कंसिडर करना होगा। हमने कोई भी ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ए बी एंड सी, ए बी एंड सी लिया, बी पे हमने राइट एंगल बना दिया, ए ये लिया हमने, सी ये ले लिया।
sec theta दिया हुआ है। अब हमें sec theta का formula पता है, sec theta क्या होता है, opposite होता है cos theta का, cos theta का formula क्या होता है, base upon hypotenuse, तो sec theta हमारा opposite होता है, तो क्या हो जाएगा, hypotenuse upon base, hypotenuse upon base, मतलब कि यहाँ पे हमें h upon b की value दे रखी है, वो दे रखी है 13/12, तो हम फिर से एक अगर हमें थीटा हमने ये कंसिडर किया है कि थीटा हमारा एंगल ए है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए सी, और हमारा बेस क्या हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा हमारा 13 के और ये हो जाएगा हमारा 12 के, क्योंकि हमें कांस्टेंट मानेंगे कि कांस्टेंट हमारा क्या है के। तो अब यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी और बेस क्या है हमारा ए बी, तो ये हो जाएगा हमारा 13/12, ए सी की वैल्यू सेपरेटली हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 13 के और ए बी की वैल्यू हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 के। अब ए सी हमें पता है, ए बी हमें पता है, हमें थर्ड साइड पता करनी है, क्योंकि हमें और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले हैं उसमें साइन भी आएगा हमारा, टेन भी आएगा, तो उसके लिए हमें साइन कॉस भी आएगा, तो साइन के लिए और कॉस के लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए होगा, टेन के लिए भी परपेंडिकुलर चाहिए होगा, तो हमें बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एच का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी क्या हो जाएगी, ए सी, ए सी है ना, ए सी कितना है 13 के, तो यहाँ लिखेंगे हम 13 के का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमसे पूछा गया है, परपेंडिकुलर हम निकालेंगे प्लस बेस हमारा क्या है 12, तो 12 के का स्क्वायर। अब हमारा तो यहाँ 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 के स्क्वायर हो जाएगा, पी का स्क्वायर हमें बताना है, 12 के का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 144 के स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे 144 हमारा इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ हो जाएगा 25 का स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25 के स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर, तो बेसिकली हमारी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, पी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 के, क्यों, क्योंकि 25 के स्क्वायर है इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 के। अब पी हमारा क्या है, लेकिन यहाँ पे पी हमारा है बी सी, तो बी सी 5 के, ठीक है, आपको समझ में आया, क्या किया हमने, sec थीटा हमें दिया हुआ था, sec थीटा हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारी है क्या ए सी, एस और बेस हमारा क्या है 12, हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लिया, ए सी की वैल्यू 13 के, ए बी की वैल्यू 12 के, फिर हमने पाइथागोरस लगा दी, पाइथागोरस लगाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और ये हमने बी सी की वैल्यू निकाल ली 5 के। अब फर्दर हम सॉल्व करेंगे और हमें टी रेशियोज की वैल्यू निकालनी है, जो और भी हमारे आगे टी रेशियोज आते हैं उनकी वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे BC हमारा हो गया 5 के। अब sec हमें दिया हुआ है, हमें और निकालना, तो पहले हम निकालते हैं साइन थीटा की, साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा BC, हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा AC, तो BC अपॉन AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC क्या दिया हुआ है 5 और AC हमारा क्या दिया हुआ है 13, तो साइन थीटा हमारा क्या हो गया 5/13, साइन थीटा की हमारी वैल्यू आ गई 5/13। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा क्या है ए बी और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है ए सी, तो ए बी की वैल्यू हमारी क्या है 12 के। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, साइन थीटा की वैल्यू 5/13 मतलब 5 के था पहले और 13 के था, के कैंसिल हो जाएगा तो 5/13 ही आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करिए 12 के अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है 13 के, के हम के हमारा कैंसिल हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हटा सकते हैं, तो 12/13 k
किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा की। समझ में आ रहा है ना आपको, साइन थीटा की वैल्यू हो गई हमारी 5/13, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई हमारी 12/13। बहुत ईजी है। अब आगे हम निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा है बीसी और बेस हमारा क्या है ए बी। बीसी की वैल्यू हमने निकाली है 5k और ए बी की वैल्यू है हमारी 12k। तो ये हमारा क्या हो गया 5/12, ये हो गया हमारा टेन थीटा। अब हम निकालेंगे कॉट थीटा, सेक थीटा। सेक थीटा तो हमें दिया ही हुआ है, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा निकालेंगे। आप ये भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि साइन थीटा कॉसेक थीटा हम निकालेंगे, साइन का अपोजिट कर देंगे 13/5 आ जाएगा, और यहाँ सेक थीटा हमें दिया ही हुआ है, कॉट थीटा के लिए हम 10 का अपोजिट कर देंगे। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा अगर आपको मार्क्स चाहिए, तो हम सॉल्व कर लेंगे। नाउ हमारा क्या हो गया था, साइन कॉस और टेन हमने निकाल लिया है। अब हमारा क्या होगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है हमारा, 1/sin थीटा। साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है एसी, परपेंडिकुलर हमारा क्या है बीसी। एसी हमारा क्या है 13k और बीसी हमारा क्या है 5k, हमने निकाला था अभी। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 13/5। के हमारा कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो गया हमारा। अब कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, पहले आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, कॉस थीटा की वैल्यू मैंने बताई, टेन थीटा की बताई, फिर आप ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे निकाल रहे हैं तो आप मैच कर सकते हैं कि वैल्यू साइन की कितनी आई थी, टेन की कितनी आई थी और हमारी इस ऐसे कितनी आ रही है। कॉट थीटा क्या होता है हमारा, 1/tan थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस हमारा क्या है ए बी और परपेंडिकुलर हमारा क्या है बी सी। तो ए बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 12k, बी सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 13k। तो ये हो जाएगा 12/13। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक, जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, हमें सेक थीटा दिया हुआ था, हमने साइन थीटा निकाला, कॉस थीटा निकाला, टेन थीटा निकाला, कॉसेक थीटा निकाला और कॉट थीटा निकाला। तो ये आपको याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज हो रही हैं, कौन कौन सी ट्रिक यूज हो रही हैं, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। पूरी 8.1 एक्सरसाइज में सिर्फ आपके दो ट्रिक्स यूज हो रही हैं, एक तो पाइथागोरस थ्योरम और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने की ट्रिक। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। अगर हमारा एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल मीन्स 90 से छोटे हैं, सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए दिया है इक्वल किसके दिया है कॉस बी के, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं। गिवन एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, और क्या दिया हुआ है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, और हमें शो क्या करना है, टू शो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये हमें दिया हुआ है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, और हमें शो क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल लेंगे ए बी एंड सी, हमसे बोला ए और बी एक्यूट एंगल है, तो अगर हमारा सी 90 डिग्री, हमने 90 डिग्री सी पे कंसीडर किया है,
तो जो हमारे ट्राइंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो मतलब कि एंगल ए और एंगल बी जो हमारे रिमेनिंग एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री होगा, तो ये ऑटोमेटिक हमारे एक्यूट एंगल है। यहाँ इस फिगर से शो हो रहा है कि एंगल ए और एंगल बी हमने एक्यूट लिया है। कैसे? क्योंकि ये हमारा सी 90 डिग्री है और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री का होता है, तो ए और बी का यहाँ पे सम कितना हो जाएगा? 90 ही होगा, क्योंकि 90 एक पहले से दे रखा है, 90 प्लस 90 180, तो ये हमारे एक्यूट एंगल्स हमने बना दिए। अब हमसे बोला है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो पहले क्या दिया हुआ है, कॉस ए की अगर बात करें, अगर ए कंसिडर करते हैं तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ए हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हमारा बेस ए के अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या हो जाएगा, ए सी, और हमारा हाइपोटेन्यूस क्या रहे? सेम रहेगा वो तो ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ठीक। और अब कॉस बी की बात करें अगर, तो कॉस बी, बी के अकॉर्डिंग हमारा जो बेस रहेगा वो क्या हो जाएगा, बी सी, कॉस बी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बी के अकॉर्डिंग बेस हमारा क्या हो जाएगा, बी सी, और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या रहेगा, वो तो सेम रहेगा ए बी। अब ये वैल्यू हमने निकाल ली, तो हमें दिया क्या हुआ, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो अब इन दोनों की वैल्यू इक्वल कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ए बी और ए बी यहाँ नीचे सेम है तो ये कैंसिल हो सकते हैं, तो कैंसिल अगर करेंगे, कैंसिल वैसे जनरली करते नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा दे रही हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हमें मिलेगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब ये हट जाएंगे हमारे, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा, मतलब कि क्या हुआ, हमारा ये साइड और ये साइड इक्वल आ गया। और आप जानते होंगे एक प्रॉपर्टी ट्राइंगल की, कि अगर दो साइड किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अब ये ट्राइंगल हमारा यहाँ पे क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, यहाँ से हमारा आ गया ए सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब कि ए सी और हमारा बी सी इक्वल आ गया है, तो ये हमारा क्या बोल क्या क्या शो करता है, हमारा रिजल्ट क्या आया था, ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो ये क्या शो करता है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इस ये हमें लिखना होगा जब भी आंसर हम निकालेंगे और बाद में हमें ये स्टेटमेंट लिखना होगा कि हमारा हम कैसे कह रहे हैं, तो इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी के अपोजिट हमारा हो जाएगा एंगल बी और बी सी के अपोजिट हमारा हो जाएगा एंगल ए, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यहाँ से हमारा हमें ये मिल जाएगा। हमने इसमें क्या किया, कुछ नहीं किया, बस कॉस ए इज इक्वल टू हमारा कॉस बी दे रखा था, कॉस ए के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगाया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमारा हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, और कॉस बी के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, कॉस ए के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन ए बी, और कॉस बी के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन ए बी। फिर हम क्या करेंगे, ए सी इज इक्वल, हमने जो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ए सी इज इक्वल टू हमारा बी सी आ जाएगा, जब दो साइड हमारा इक्वल आ गया तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी हमारे इक्वल होते हैं, तो हमें ये स्टेटमेंट मिल गया, हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ पे आज हम लोग ने 5 क्वेश्चंस किए हैं, एंड 5 क्वेश्चन में सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम का और टी रेशियोज का। टी रेशियोज के फॉर्मूले पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो गाइज हमने क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व किए हैं, और इन क्वेश्चंस में सिर्फ 2 ट्रिक्स यूज़ हुई हैं, इन ट्रिक्स को आप याद रखिएगा, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। थैंक यू, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।